तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते जय माता दी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉगर। तो हैप्पी होली सबको। थैंक यू। हैप्पी होली। चलाता फिर ले आता ले आ ले 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 होली। हैप्पी होली। मैं ये मालूम मजे ले। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, क्योंकि मैं लेट हो गई वीडियो विश सेंड करने में, शेयर करने में, क्योंकि नेट पैक ख़त्म हो गया था तो डालते डालते टाइम लग गया। तो ऐसे बनाई हमने होली और सबने मुझे ना बहुत ज़्यादा रंग लगाया, तो जितने भी आए थे भतीजे भांजे सब, और यहाँ पे जो है राहुल मेरे भतीजे को लगा रहे थे सब कलर। तो गोलू और विक्रांत ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगाया, और हिमांशु देवांशु सुबह लगा के चले गए थे जब स्कूल गए थे। और यहाँ पे सकीना भावना और नीलम और इशिता और कौन थे, हाँ दिया, सब ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। गिलास को उसमें ऐसे रखिए गुलदस्ते की तरह। तो अभी मैं घर जा रही हूँ क्योंकि नहाना भी है, जंगली बन गई हूँ। तो हमारे गांव में ऐसे बनाते हैं होली, आप लोगों को कैसे बनाते हैं? शहरों से बेहतर गांव है, क्योंकि गांव में सबके साथ मिलके बहुत मज़ा आता है। शहरों में ऐसा होता है कि किसको रंग लगाएं, जान न पहचान, फिर अच्छा लगता है। यहां पे सब मिलके बनाते हैं। तो अभी शाम को हम चिल्डू वगैरह बनाते हैं, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिर उनको चढ़ाते हैं जहाँ पे होलिका दहन करते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं, और फिर वहाँ पे चढ़ाते हैं उन चिल्डुओं को, और फिर वहाँ पे रोटी खाते हैं और फिर अपने घर आते हैं। वो तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जेंट्स आते हैं वहाँ पे, लेडीज नहीं जाती है। तो इस तरह से बनाते हैं हमारे होली। आपके कैसे बनाते हैं ये भी बता देना। वैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयार पेस्ट कर रही हूँ मैं चिलड़ू के लिए, जो बबरू होते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, हम चिलड़ू बोलते हैं। चिलड़ू के लिए मैं ले रही हूँ सीरा, जो हम कनक गेहूँ का बनाते हैं, और थोड़ा सा ले रही हूँ सीख कनौर का, और ये डाल रही हूँ मैं सीरा में थोड़ा लूँ। और इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, ये सेम ही होता है। ये देखिए सीरा भी वाइट ही होता है, और जो ये क्या बोलते इसको कनौर का सीख, ये भी वाइट ही होता है, पर इसको बारीक बारीक बना दिया गया होता है, और सीरे को ऐसे मोटा मोटा रखते हैं। और ये कनौर का होता है, और ये बहुत महंगा मिलता है, ऐसे मिलता नहीं है ये। इसका और घी का प्राइस सेम ही है, बहुत महंगा मिलता है ये। इसमें डालूँगी थोड़ा गेहूँ, इसमें बहुत कम हो जाएगा बैटर, तो मेरे को बड़ा सा डूंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि सास ससुर को भी देना है, क्योंकि ससुर ने खाने हैं, सासू जी ने खाने नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि आप ही दे देना बना के। तो गाइस, मैंने बैटर को पहले बना के रख दिया है, कम से कम 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं चिलड़े बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चीनी डाली है तो मीठा डाल के जो है अच्छे से बनते नहीं है, मतलब जल जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने तवे को धो के रख दिया, क्योंकि चढ़ाने हैं तो सारे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। मेरा बैटर, मैंने इसको छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए, और ये देखिए नीचे ऐसा हो गया है। अब इसको हिलाऊंगी अच्छे से और फिर देखते हैं कैसे बनते हैं, बना के ट्राई करते हैं। तो मैंने इतना सारा पतीला इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने बोला भी मैंने ऊपर देने हैं और अपनी सारी फैमिली के लिए,
सेफ्टी जी, सारे जितने भी मेम्बर हैं मेरे, और बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ तो बच्चे भी पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें। ना ही ये ज़्यादा घना है ना ही पतला है, तो देखते हैं अगर नहीं उतरेगा तो मेरे को सीख डालना पड़ेगा और जो कनौर का है। तो ये रख दिया मैंने तवा, अभी ये ढीला ही है, सूखा नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तेल लगा देना है तवे में, थोड़ा ज़्यादा हो गया बट हल्का हल्का सा लगाना। अब इसको अच्छे से गर्म होने देना है और उसके बाद ही बनाएंगे। तो चलिए डालती हूँ मैं बैटर, और ये बनाए मैंने चढ़ाने के लिए, बट गाइस बहुत मुश्किल से बनाए क्योंकि ये ना जल रहे थे नीचे, ये देखिए छोटे छोटे बनाए हैं, ये तो जल भी गया। आगे बनाऊंगी। तो अभी पुराने घर में आके थोड़े ठीक बन रहे हैं, इस पहले तो बन ही नहीं रहे थे, ये देखिए। तो गाइज मैंने चिलड़े जो है बड़ी मुश्किल से बनाए क्योंकि मैंने मीठा डाल दिया था, मीठा नहीं डालते हैं दीदी ने बोला, तो वो ना चिपक रहे थे तवे में, और जो मैंने बदलने के लिए लिया था तेल तो उसमें भी फंस रहे थे। और फिर बहुत मुश्किल से मैंने अलग सा पेस्ट बनाया, उसमें मैंने मीठा नहीं डाला था, फिर जाके मैंने तैयार किए हैं। देखिए ये देखिए, ये भी टेढ़े मेढ़े बने हैं फटे हुए, बड़ी मुश्किल से बनाए ये थी। तो मीठा नहीं डालना चाहिए था, आप लोग ये गलती मत करना। और अभी मैं बना रही हूँ आलू, आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है तली हुई रोटियों के साथ। तो थक गई हूँ आज बहुत ज़्यादा क्योंकि आज हमने पत्थर भी ढोए, हमें फ़ोन आ गया था तो 400 पत्थर ढोए, हम चार लोग ही थे तो 12 बजे तक किया हमने काम। उसके बाद 12 बजे तक हमने 400 पत्थर जो है मतलब ढो लिए थे। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिल तो कर रहा है भूखे ही सो जाऊँ, पर बनाना पड़ेगा इनके लिए। तो इसी तरह से बनाते हैं हम होली। तो कैसी लगी आप लोगों को, उम्मीद है अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपने। तो गाइस देखिए आप लोग कितने अच्छे से दिख रही है होली का, तो अभी तो मतलब ये कम ही दिख रही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लोग ही जला रहे हैं होली का, बट ऊपर पुराने घर में तो गांव के आधे लोग जलाते हैं, आधे लोग थोड़े ऊपर जलाते हैं, तो मतलब हमारे घर तक जो है रोशनी आ जाती है होलिका दहन की। तो इस तरह से बनाते हैं हमारे। तो कैसी लगी आपको मेरी होली वाली वीडियो, तो हम ऐसे बनाते हैं होली। और पुराने घर में तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे सारे गांव वाले चलाते हैं एक ही जगह में, तो बहुत ज़्यादा जलती है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही थे दीदी, दोनों मतलब ऊपर वाले जेठ और नीचे वाले जेठ जी। तो गाइज इसी के साथ ना मैं ब्लॉग भी फिनिश कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा मेरा ब्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।